हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज हमारे चैनल आई लव टू प्लांट के इस नए वीडियो में। तो आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि आप किस तरीके से ड्रेसेना प्लांट या फिर कॉर्डेलाइन को कटिंग से प्रोपगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक लंबी सी ब्रांच लेनी है और फिर उसे इस तरीके से, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, 45 डिग्री के एंगल पे काट लेना है, बिल्कुल ऐसे करके। जैसे कि आप सभी देखते हैं, आपको एक शार्प कट बनाना है कि मैंने दो कटिंग्स ले ली हैं, तो आप जितनी बड़ी कटिंग्स लेना चाहें ले लें। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियाँ रिमूव करनी है। तो जैसा कि आप सभी देखते हैं कि मैंने दोनों कटिंग्स में से काफ़ी सारी लीव्स निकाल ली हैं, तो आप इतनी लीव्स भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये लीव्स वैसे भी एक टाइम के बाद ड्राई आउट हो जाएंगी। जब इसमें नई ग्रोथ स्टार्ट होगी तब ये लीव्स अपने आप येलो होके निकल जाएंगी। अब आप लोगों को ऐसा ही एक वेल ड्रेन पॉट लेना है जिसमें बहुत सारे होल्स हो, और फिर उसमें मिट्टी भर लेनी है। यानी कि आप कोई भी गार्डन सॉइल ले सकते हैं या फिर कोकोपीट ले लेंगे तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि कोकोपीट में रूट्स होती है हमारे प्लांट की, वो इजीली पेनिट्रेट कर सकती हैं, इसलिए कोकोपीट रिकमेंडेड होता है। तो जैसे ही आप सभी का पॉट 3/4 यानी कि 3/4 भर जाता है मिट्टी से, वैसे ही आप कटिंग्स को लगा दें। तो आपको किसी चाकू से या किसी और चीज़ से आपको इसमें होल कर लेना है गहरा सा, और उसके बाद आपको इसमें अपनी कटिंग्स को जेंटली लगा देना है। तो आप सभी लोगों को कटिंग्स लगाते समय रूटिंग हार्मोन का ज़रूर से इस्तेमाल करना है। चाहे तो आप एलोवेरा लीफ जेल भी यूज़ कर सकते हैं रूटिंग हार्मोन की तरीके से। और एक बार लगा लेने के बाद कटिंग्स को आप उसके आसपास की सॉइल को अच्छे से दबा लें हाथ से, और उसके बाद आपको एक काम करना है कि आपको उस पॉट में अच्छे से पानी डालना है, ताकि एक बार आपके पॉट में से पानी ड्रेन आउट हो जाए। तो 1 महीने के लिए सेमी शेड स्पॉट पर रखना है, यानी कि जहाँ पर बहुत कम धूप आती हो लेकिन थोड़ी सी लाइट होनी चाहिए, ताकि प्लांट फोटोसिंथेसिस कर सके। और जैसे ही इसमें नई ग्रोथ अपीयर होने लग जाए, यानी कि नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाए, वैसे आप इसे एक सनियर स्पॉट पे लगा दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़रूर से एक थम्सअप दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।